चहल टीवी में आपका स्वागत है। तो आपसे मेरा पहला सवाल है, बताइए राजस्थान से बाहर होने के बाद आपको कैसा लग रहा है? खोपड़ी सरक गई मेरी, मुझे लगा झोपड़ी सरक गई तेरी। अरे यार मैं कोई फिल्म हूँ क्या जिसे रिलीज कर दिया इन लोगों ने? इसलिए कहता हूँ चीटिंग मत किया कर। लेकिन अब सारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के आईपीएल को तनहा छोड़ के मैं गम से रिश्ता जोड़ के जाऊँ कहा? हमें क्यों पूछ रहा है, हम तेरे रिश्तेदार है क्या? सोच रहा हूँ कि इस बार किसी नए दमदार प्लेयर को रिटेन कर लूँ। तो मुझे ही रिटेन कर लो ना, मैं हूँ ना फ्री। ऐसा क्या तू मुझे धंधा सिखाएगा? मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा था। ये चल चल अपने चाचा को मत सिखा। मैं स्टीव स्मिथ का चाचा नहीं हूँ। अगर अंबानी मेरे चाचा होते तो आज मैं मुंबई इंडियंस में फिट हो जाता जैसे सरकारी नौकरी में लोग फिट हो जाते। इसका मतलब रोहित मुंबई इंडियंस में सरकारी नौकरी कर रहा है क्या? खा के आइस गोला, मैंने ये कब बोला? मैं तो अंदाजा लगा रहा था। रोहित भाई मेरा कुछ भला करो, अंबानी जी से बात करो ना, मेरी थोड़ी सेटिंग करा दो। तेरी तो शादी हो गई है, तेरी कौन सी सेटिंग? मैं वो नहीं, मैं आईपीएल की बात कर रहा था। क्योंकि आप आईपीएल के सौदागर है, मुंबई में आपके 14 घर है, इसलिए मैं आपसे उम्मीद लगाए बैठा हूँ। रहने दे, तेरी बात बात पे खोपड़ी सरकती है। भाई आप बात तो करो, मैं आपको मुरमुरे का पैकेट गिफ्ट करूंगा। अंबानी जी आप स्टीव स्मिथ को मुंबई में मत लेना, ये देखो कैसे मक्खन लगा रहा है। हाँ भाई मक्खन लगाना कोई स्टीव स्मिथ से सीखे। ए भाई ऐसा मत बोलो, मेरी भी कोई फीलिंग है, दिल से बुरा लगता है मुझे। पिछले साल तू राजस्थान को सीरियसली लेता तो इस साल राजस्थान से हाथ नहीं धोना पड़ता। डेविड वार्नर से सीख कुछ। वार्नर से क्या सीखूं भाई, वो तो ऑस्ट्रेलिया टीम से कम इंडियन टीम से ज्यादा खेलता है। उसका दिमाग चाहे ऑस्ट्रेलिया में है लेकिन दिल से वो हिंदुस्तानी है। वैसे तू बुरा मत मान, क्यों आज होली है? नहीं नहीं पंजाब ने भी मैक्सवेल को रिलीज कर दिया है। लेकिन पंजाब से बाहर कर दिया तो अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे भी कोई अपने शरण में ले लो। भाई वो टेउटिया ने मेरा करियर खराब कर दिया, उसके 5 छक्कों से मुझे पंजाब टीम से बाहर कर दिया। कोई बात नहीं, राहुल बाबा का आशीर्वाद ले लो, कोई अच्छी टीम तुम्हें अपना लेगी। हाँ बस आरसीबी में मत आना। मैं आता हूँ ना भाई आरसीबी में, मुझे मौका तो दो। ए यहाँ क्या महाप्रसाद बट रहा है, बात कर रहा है? कहाँ गए हमारे राहुल बाबा, आज वो ही हमें सही दिशा दिखा सकते है। भक्त जनों दिशा दिखाना अब मेरे बस में नहीं है क्योंकि वो तो अब टाइगर के बस में है। लेकिन हमें कोई उपाय बताइए राहुल बाबा, हम आपके ऋणी हैं। नादान बालक मैक्सवेल, तुमने जो हमें धोखा दिया था उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। अब कोई भी नदी में नहाकर तुम्हारे पाप नहीं धुलेंगे और आईपीएल में तुम्हारे किस्मत के द्वार कभी नहीं खुलेंगे। ठीक है भाई, ऐसा है तो हम चुपचाप कोने में जाके रो लेंगे और उन्हीं आंसुओं से अपने पंजाब की जर्सी धो लेंगे। मुझे भी राजस्थान की जर्सी वापस करना पड़ेगा यार। मैक्सवेल भाई तू भी मेरे जर्सी को धो देना, मस्त प्रेस मार के मुझे वापस कर देना बाद में। मैं तेरे चाचा का नौकर हूँ क्या?